नमस्कार, आज की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूँ स्वीटी। तंजानिया की विक्टोरिया लेक में नाव पलटने से मरने वालों की संख्या 218 हो गई है। गुरुवार को नाव पलटने के बाद से लेक में बचाव कार्य अब भी जारी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खक्कान अब्बासी ने पाकिस्तानी सरकार के सेना के दबाव में काम करने की बात स्वीकार की है। अब्बासी ने कहा कि हमने अतीत की गलतियों से सबक नहीं लिया है। पाकिस्तानी सेना ने एक बयान के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तरी वाजिरिस्तान जिले में पाकिस्तानी सैनिक ने 9 आतंकवादियों को मार गिराया है। मुठभेड़ में 7 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहीद खक्कान अब्बासी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तानी सरकार को सेना चलाती है। अब्बासी ने यह भी कहा है कि हमने अतीत से कोई सबक नहीं लिया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नक्सलियों ने आज अराकू विधायक के सर्वेश्वरा राव और पूर्व विधायक सीवेरी सोमा को गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया। योजना के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े 11 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी। इस दौरान मोदी ने कहा कि हमने गरीबों को सशक्त किया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने आज मुठभेड़ में फिर एक आतंकी मार गिराया है। त्राल के गांव में सेना का सर्च अभियान अब भी जारी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 17 और डीजल 10 पैसे लीटर हुआ महंगा। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पूर्वांचल महाकुंभ में दिल्ली की केजरीवाल सरकार को वोट बैंक की राजनीति करने वाला कहा। बदले में केजरीवाल ने शाह को खुली वार्ता की चुनौती दे दी। सीएम वसुंधरा राजे की राजस्थान गौरव यात्रा आज झुंझुनू रही। यहां सीएम ने बुहाना, झुंझुनू और मंडवा में जनसभा को संबोधित करते हुए अंचल को यमुना का पानी जल्द दिलाने की बात कही। कर्ज माफी, वेट कम कर, पेट्रोल डीजल सस्ता करने, कुंभाराम लिफ्ट परियोजना सरी की कई उपलब्धियां भी गिनाई। श्री राजपूत करनी सेना के 12वें स्थापना दिवस पर आज चित्तौड़गढ़ में जौहर स्वाभिमान सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में आरक्षण, SC ST एक्ट और पद्मावत फिल्म विवाद का मुद्दा ही छाया रहा। प्रदेश में आज दूसरे दिन भी शेखावाटी और बीकानेर संभाग में बरसात का दौर जारी रहा। बरसात से मूंग, मोट, बाजरा और नरमा की खेती की फसलों को भारी नुकसान होने का अनुमान है। सीएम वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा कल फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ होते हुए सीकर पहुंचेगी। यात्रा के दौरान लक्ष्मणगढ़ पूर्व पालिका अध्यक्ष दिनेश जोशी और सीकर में पूर्व विधायक राजकुमारी शर्मा के भाजपा में शामिल होने की चर्चा है। सीकर के श्री माधोपुर की ग्राम पंचायत आशापुरा की ढाणी भारूवाली में चोरों ने बीती रात 3 घरों में सेंध मारी कर लाखों की नकदी और जेवरात चुरा लिए। चोर इन मकानों में पीछे की खिड़की तोड़कर घुस गए थे। फतेहपुर में भूमि रूपांतरण की मांग को लेकर धरने पर बैठी महिलाएं आज मुख्यमंत्री के सभा स्थल का जायजा लेने पहुंचे। कलेक्टर और SP की गाड़ी के आगे लेट गई। पुलिस ने आश्वासन देकर मामला सुलझाया। बता दें कि विभिन्न गांवों की इन महिलाओं के मकान को वन विभाग अवैध करार देकर जमीन से बेदखल करने के नोटिस दे रहा है। सीएम वसुंधरा राजे से 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मिलने के लिए वीर तेजा सेना के जिलाध्यक्ष राजेश खाकल, महिपाल महिला और रामस्वरूप सेवा जलदाय विभाग की टंकी पर चढ़ गए। देर शाम तक उन्हें समझाने का दौर